वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो में आपको मैं ये बताया था कि व्हाट्सएप का बैकअप कैसे ट्रांसफर करते हैं GB के अंदर ओनली वन क्लिक के अंदर। तो आज की वीडियो भी आपको मैं ये बताऊंगा कि व्हाट्सएप का बैकअप कैसे ट्रांसफर करना है GB के अंदर ओनली वन क्लिक के अंदर। बट जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर करा था वो मैंने कवर करा था कि जिनके व्हाट्सएप का बैकअप व्हाट्सएप के फोल्डर के अंदर ही बनता है। तो उस वीडियो के अंदर मैं ये भी कहा था कि जिनका बैकअप एंड्रॉयड के अंदर बनता है उनको कैसे ट्रांसफर करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इसी वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि जिनके व्हाट्सएप का बैकअप एंड्रॉयड के अंदर बनता है उनको कैसे ट्रांसफर करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं ये बताऊंगा कि आपके जो व्हाट्सएप का बैकअप है वो कैसे ट्रांसफर करना है GB के अंदर ओनली वन क्लिक के अंदर। व्हाट्सएप का फोल्डर हो, एंड्रॉयड का फोल्डर हो, कोई भी फोल्डर हो, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा आपको लाइव करके बताऊँगा कैसे ट्रांसफर करना है व्हाट्सएप से GB व्हाट्सएप के अंदर। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बात बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर वीडियो है जो आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर वीडियो है जिसके अंदर से मैं ये बता रहा हूं कि बैकअप कैसे ट्रांसफर करते हैं। मैं किसी भी ऐप के बारे में कोई गलत बात नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि बैकअप कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको यहाँ पर रील बनाना देखने भी मिलता है। तो जैसे मेन टॉपिक के अंदर, तो आपको अपना जो रील व्हाट्सएप है उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टॉप के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको चैट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और चैट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बैकअप कहाँ पर बनता है। तो सबसे पहले नीचे आपको जो गूगल अकाउंट है उसको रन करना है, बैकअप टू गूगल ड्राइव भी आपको नेवर करना है। अगर आपको अपना जो मीडिया है वो भी ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पर इंक्लूड वीडियोस को इनेबल कर देना है जैसे मैंने करा है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो बैकअप है वो कहाँ पर बनेगा, एंड्रॉयड के अंदर बनेगा या व्हाट्सएप के अंदर बनेगा। तो जब आपको यहाँ पर बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, जब आपको यहाँ पर बैकअप के ऊपर क्लिक करना है तो आपको ऊपर टाइमिंग देखनी है कि आपकी टाइमिंग क्या है। जब मैं बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरी टाइमिंग है वो है 11:50। तो मैंने 11:50 के ऊपर अपना बैकअप लिया है। उसके बाद अब आपको अपना जो फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेना है। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद जाना आपको अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर। तो जो आपका बैकअप है वो सिर्फ दो जगह ही बन सकता है, एक तो एंड्रॉयड के अंदर, दूसरा व्हाट्सएप के अंदर। तो अब बात करते हैं कि आपको जो बैकअप है वो कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले मैं अपना जो एंड्रॉयड का फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मीडिया को ओपन करता हूँ, देन com.whatsapp, उसके बाद व्हाट्सएप, देन डेटाबेसिस। तो देख सकते हो जो मेरी लास्ट की फाइल है इसकी जो टाइमिंग है वो है 11:50। तो जब मैंने बैकअप लिया था तब की टाइमिंग थी 11:50। इसका मतलब जहाँ पर जो मेरी टाइमिंग है बिल्कुल सेम है, जो मेरा बैकअप है इस फोल्डर के अंदर बन रहा है, मेरा जो बैकअप है एंड्रॉयड के अंदर बन रहा है। आपकी फाइल नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, ठीक है, आपको टाइमिंग मैच कर लेनी है। तो जो मेरी टाइमिंग बिल्कुल मैच हो रही है इसका मतलब जो मेरा बैकअप है वो एंड्रॉयड के अंदर बन रहा है। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप का जो नीचे फोल्डर है क्या उसके अंदर भी बैकअप बन रहा है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो नीचे एक व्हाट्सएप का फोल्डर होगा, मैं उसको ओपन करता हूँ, तो जहाँ पर 0 आइटम है इसका मतलब जहाँ पर मेरा बैकअप बिल्कुल नहीं बन रहा, मेरा बैकअप एंड्रॉयड के अंदर ही बन रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना कि आपके फ़ोन के अंदर कोई GB व्हाट्सएप का फोल्डर तो नहीं है। अगर है तो वो आपको जहाँ से डिलीट कर लेना है, जैसे मेरे में है तो जहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो हमें पता चला गया कि जो हमारा बैकअप है वो कहाँ पर बांधता है। अगर नीचे कोई GB व्हाट्सएप का फोल्डर है जैसे मेरे में था तो अभी मैंने वो डिलीट कर लिया है, अगर आपके फ़ोन के अंदर भी है तो वो आपको डिलीट कर लेना है। तो जैसे कि मेरे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड के अंदर बैकअप बनता है com.whatsapp का, जैसे मैं एंड्रॉयड को ओपन करता हूँ जहाँ पर देख सकते हैं com.whatsapp के अंदर जो मेरा बैकअप है वो बनता है। उसके बाद अगर आपका एंड्रॉयड का अंदर बनता है तो आपको क्या करना है, आपको अपना एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन कर लेना है, उसके बाद मीडिया को ओपन करना है, देन आपको जहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है जिसका नेम आपको रखना है com.gbwhatsapp। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना है, अगर कोई भी गलती हुई तो आपका बैकअप ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक और स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा है com.gbwhatsapp, इसके बाद इसको हम ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं com.gbwhatsapp को ओपन कर लेता हूँ, देन जहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ GB व्हाट्सएप नेम का। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना,
तो जहाँ पर मैंने जी बी व्हाट्सएप नेम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको अपना जो उसके बाद आपको एंड्रॉयड को फिर से ओपन करना है, देन मीडिया, उसके बाद कॉम डॉट व्हाट्सएप, उसके बाद व्हाट्सएप, देन सारे फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है, कट मूव वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी ही करना है। देन इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद आपको जाना है एंड्रॉयड के अंदर, देन मीडिया, उसके बाद कॉम डॉट जी बी व्हाट्सएप, देन जी बी व्हाट्सएप, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपका बैकअप एंड्रॉयड के अंदर बनता है तो आपको एंड्रॉयड के अंदर ही कॉम डॉट जी बी व्हाट्सएप नेम का फोल्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मेरे सारे फोल्डर पेस्ट हो चुके हैं जिनका बैकअप जे वाले व्हाट्सएप के अंदर बन रहा है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो के अंदर कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो इससे एक पिछली वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा कवर करा है कि जिनका जे वाले व्हाट्सएप के अंदर बैकअप बनता है उनको कैसे ट्रांसफ़र करना है जी बी व्हाट्सएप के अंदर। तो वो वाली वीडियो आपको देख लेनी है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो भी सिर्फ मैंने ये कवर करा है कि जिनका बैकअप एंड्रॉयड के अंदर बनता था। वैसे मैंने पूरा आपको ये भी बताया कि जिनका बैकअप व्हाट्सएप के अंदर बनता है उनको भी कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि जहाँ पर मैंने पूरा कवर कर लिया। आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपका बैकअप जहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर बनता है तो क्या करना है, आपको सारे फोल्डर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ पर एक जी बी व्हाट्सएप का फोल्डर क्रिएट कर लेना है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जी बी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से करना है वो आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जहाँ से मैं जी बी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेता हूँ, देन आपको जी बी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। देन आपको जहाँ पर अलो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आगे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन अपना फ़ोन नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आप कंटिन्यू वेरीफाई SMS कुछ भी कर सकते हो, तो जहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ, देन अलो करता हूँ, तो जहाँ पर OTP है वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद मैं अपना पिन एंटर कर लेता हूँ, देन आपको जहाँ पर कंटिन्यू करना है, नोट नाउ नहीं करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अलो करना है। देन आपको जहाँ पर मेरा बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो जहाँ से आपको रजिस्टर करना है इसके बिल्कुल नहीं करना है, रजिस्टर करना है। जब आपके मैसेज ट्रांसफ़र हो तभी आपको अपना जो रियल व्हाट्सएप है आपको अनइंस्टॉल करना है। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन अपना नेम एंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जो मेरे मैसेज सारे मैसेज मेरे ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे जी बी व्हाट्सएप के अंदर। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसा आपको मैंने करके बताया। आपको वीडियो का पूरा ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। जब आपके मैसेज यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए तभी आपको अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे जहाँ पर मेरे मैसेज ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, अगर मेरे ट्रांसफ़र नहीं होते तो मैं अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि चैट मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पर मेरे मैसेज ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो अपने व्हाट्सएप को मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल लगी। अगर आपने वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप कुछ भी जानकारी आती है तो कमेंट बॉक्स से आपको मैंने कर सकते हो। तो आज के बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।